नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक्निकल नागेश जी में। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अपना मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि मैं यहाँ ओपन कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ओपन हो गया है। ओपन हो जाने के बाद आपको जाना है अपनी लोगो पे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम चले गए। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ योर चैनल, हम इस पे चले जाते हैं। मैंने जैसे ही क्रिएट चैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप ऐसा इंटरफेस देख सकते हैं। हमें यहाँ पे अब नीचे यहाँ एडिट चैनल पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम एडिट चैनल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखने के लिए इस पेंसिल पे आपको क्लिक करना होगा, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो हम अपने चैनल का नाम इसी को रहने देते हैं, अपना नाम ही रहने देते हैं, तो इसे ओके कर लेते हैं। इसे ओके कर दिए। अब हम अपना चाहें तो यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं, यहाँ से इमेज लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, उसे बाद में भी लगा सकते हैं। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि आप कौन कौन से कैटेगरी के वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक कर लेने के बाद अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप जिस बारे में यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ऐसे ही टाइप कर देते हैं, जो कि ये टाइप हो गया है। तो चलिए हम इसे अब सेव कर देते हैं। यहाँ के बाद आपका ये चैनल बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको वीडियो डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं, अपने यूट्यूब में जब भी थंबनेल ऊपर से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को वेरीफाई करना होगा, जो कि हम इस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। चलिए हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं youtube.com, तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सीखते हैं कि कैसे मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इस थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद डेस्कटॉप साइड में इसे कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइड में हो जाने के बाद आपको थोड़ा रुक जाइए, आपको अपने चैनल के लोगो पे जाना है, जो कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे चैनल का लोगो देख सकते हैं, हमें इस पे जाना है। तो चलिए हम इस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद आपको सेटिंग का दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सेटिंग के ऑप्शन पे हमें जाना है। चलिए हम चलते हैं सेटिंग के ऑप्शन पर। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही गए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चैनल स्टेटस एंड फीचर, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपका वाइटियो स्टूडियो यूट्यूब में ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र में सॉरी। आपको इस प्रकार से दिखाएगा, तो यहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या कर ही दीजिए। आपको अब यहाँ पे सबसे पहले एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा फीचर दैट रिक्वायर फ़ोन वेरिफिकेशन, आप यहां पे देख सकते हैं एलिजिबल दिखाई दे रहा है। अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो यहां पे इनेबल दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेने से क्या होगा। मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेने से यह होगा, यहां पर लिखा हुआ है वीडियो ओवर 50 मिनट, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीम और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यानी कि आप जब वेरिफिकेशन मोबाइल कर लेते हैं तो आप अपने वाइटियो स्टूडियो से कस्टम थंबनेल यूज कर सकते हैं और 15 मिनट से ऊपर का भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस पे हम मोबाइल को वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको इनेबल पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है वेरीफाई फ़ोन नंबर, हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैसेज किस तरह से चाहिए, कॉल से चाहिए या मैसेज से वेरिफिकेशन कोड चाहिए। हमें टेक्स्ट में द वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर लेना है।
तो नीचे आप कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे है व्हाट इज योर फ़ोन नंबर, आप इसमें फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो चलिए हम इसमें फ़ोन नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे चुके हैं हम। अब हमें गेट कोड पे क्लिक कर देना है, तो जस्ट हमारे मोबाइल पे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो हम इसे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 16 30, इस कोड को हमने यूज कर दिया, अब इसे सबमिट कर देते हैं। तो यह हो गया सबमिट। अब आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख चुका है। अब इसे कर लेने के बाद आप अपना बायटी स्टूडियो ओपन करके आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं। आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक वीडियोस पे, और अपना कस्टम थंबनेल लगाएंगे। आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे और यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कस्टम थंबनेल यहाँ थंबनेल पे ओपन करेंगे और यहाँ चेंज है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है। चेंज पर क्लिक करके आप कोई सा भी थंबनेल लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।